अरे यार, इस पूरे गांव में यही थोड़ी ठीक ठाक सी जगह लग रही है। यहीं कुछ खा पी लेती हूँ, भूख तो बहुत जोरों से लग रही है। अरे छोटू, आइए मैडम ने पानी पूरी की बूझी। अरे बूझ लेके खा गई, जा। स्टूपिड लड़के, तमीज नहीं है क्या कि पानी कैसे देते हैं? कौन है यहाँ का मैनेजर? पता नहीं कैसे कैसे लड़कों को काम पे रख लेते हैं। सारे शूज खराब कर दिए। आप जाते, तेरा ध्यान कहाँ है? कर दिया मैडम की जूता खराब। मैडम जी सॉरी, इसकी तरफ से मैं गलती मानता हूँ। अरे तेरी इतनी बार इस महीने की तनख्वाह काटूंगा मैं, ठीक है? काम चोर कहीं का निकल यहाँ से, भाग। भाई साहब पानी तो गेरा था इसने, इसमें के बड़ी बात होगी। ये बोर तेजाब करवाओगा है? एक तो नाबालिग के पास काम करवाने लग रहे हो है? बेचारा अपने पेट के लिए कमा के तो खा रहा है, अगर थोड़ा पानी गिर गया तो क्या दिक्कत होगी? और ऊपर से अमीर लोग, अगर थोड़ा बहुत पानी गिर भी गया तो कौन सी बड़ी बात होगी, अपने घर पे भी तो नहाती होगी। तेरा के काम से है बैठ के बिल काटना? तू ढके करने लग रहा है, हैं? आ गया चौधरी बन गए। सुने, इतने तो मैं काट दूंगा, एक ही गल तू भी लिख रहा है, लंडा ला ले रहा है। अगर ऐसा है ना तो मन भी अड़े कुछ काम ना करना, चला जाऊंगा मैं। अरे तेरे जे 36 आऊंगे अड़े, लिख रहा है, चल दे लंडा ला लो। अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अरे रुकिए, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। अच्छा अच्छा, मैं आपसे बाहर आके बात करती हूँ। तो लोगों की मदद करना अच्छा लगता है आपको? शायद मेरे मन की आग इसी तरह बुझ सकती है। इस आग को कभी बुझने मत देना, क्योंकि बहुत कम लोगों के दिलों में लगती है ऐसी आग। और वैसे मैं आपका नेचर देख के बहुत खुश और इम्प्रेस हुई। अच्छा, लेकिन हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने जो भी किया वो गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, मैं अपने बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, आप प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। और इन सब चीजों की वजह से मेरी नौकरी चली गई? अच्छा, कैसी नौकरी चाहते हैं आप? ऐसी कोई भी नौकरी जिसमें झूठ, धोखा और बेईमानी ना करनी पड़े, क्योंकि इन सब चीजों से एक बार तो वक्त बदल जाता है, लेकिन जब वक्त की मार पड़ती है ना तो अच्छे से अच्छा इंसान भी रोड पे आ जाता है। और इसीलिए हमें वक्त की कदर करनी चाहिए, चाहे फिर वक्त अच्छा हो या बुरा हो। वैसे आपका नेचर काफी अच्छा लगता है और आप पढ़े लिखे भी लगते हैं। हाँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैंने वक्त की कदर नहीं की, इसीलिए मैं बेरोजगार हूँ। अच्छा चलो, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ, बाकी बातें चलते चलते करते हैं। अरे मेरा लेकिन कोई घर ही नहीं है। I'm sorry, क्या आप अनाथ हो? नहीं, मैं घर से बेदखल हूँ। अच्छा देखो, तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, मैं अभी अपने पापा को फोन करके तुम्हारे बारे में बात करती हूँ। क्या हो गया, कोई दिक्कत परेशानी होगी क्या? अरे देखो ना यार, मुझे पापा को अभी फोन करना था और फोन हैंग कर रहा है, लग ही नहीं रहा। अरे तो आप नोक्स क्लीनर ऐप यूज करो ना। नोक्स क्लीनर ऐप? ये कौन सी ऐप है? अरे नोक्स क्लीनर एक बहुत ही अच्छी ऐप है, जिससे आप अपने फोन का सारा अनवांटेड डेटा डिलीट कर सकते हो, जिससे फिर आपका फोन कभी हैंग ही नहीं होगा। और तो और इसमें और भी बहुत से फीचर है, जैसे कि एंटीवायरस, जिससे आप अपने फोन को स्कैन करके सारे थ्रेट रिमूव कर सकते हो, और ऐप लॉक, जिससे आप अपने फोन को सिक्योर कर सकते हो, एप्लीकेशंस पे आप प्राइवेसी लगा सकते हो, और सीपीयू कूलर, जो आपके फोन को हीट होने से बचाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी ऐप है, मैं इसको अभी डाउनलोड करती हूँ। और हाँ, इसका लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच यार, एक बार फिर से मेरी हेल्प करने के लिए। यू आर वेलकम। और वैसे अब मैं फोन ही क्या करूँ, चलो मैं आपको अपने पापा के पास डायरेक्ट लेके चलती हूँ, हम वहीं चल के बात कर लेंगे। आ जाओ। अच्छा वैसे ये सब हुआ कैसे तुम्हारे साथ, कुछ बताओगे अपने बारे में? मेरी ग्रेजुएशन तो हो गई थी, उसके बाद फिर घर वाले नौकरी के लिए बोलने लगे, लेकिन मेरा कुछ काम धंधा करने का मन करता नहीं था, बड़ा आलसी था मैं।
कमा के खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था मेरा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि और भाई आज महफिल में कैसे? बेटे आज तेरे भाई के पास 500 रुपए का पत्ता है, आज पत्ते बांटो थम और लगाओ शर्त। अबे तेरे पास तो लास्ट टाइम 10 रुपए भी रहते थे, आज 500 रुपए कहाँ से ले आया? अरे मेरे बाप ने ना फार्म भरने के 500 रुपए दिए थे। भर दिया फार्म? अरे थम ने तो बेराए है, तेरे यार ने नौकरी थोड़ी करनी है, इविन 500 रुपए के ना 2000 बनाऊंगा। सट्टा लगाओ 500 तेरते जीतूंगा, 500 तेरते और 500 तेरते जीतेगा 500। बांटना फिर फटाफट, बेरा लाग जाएगा वो तो कौन जीतेगा कौन ना। ईब देखा है वो तो। भाई मैं कौन खेलता? क्या हो गया भाई? क्या हो गया? हरामखोर, तेरे को पैसे दिए थे फार्म भरने के, तू यार पत्ते खेल रहा है, सुट्टे मार रहा है, कमीने, ये काम करेगा तू? हैं? चल तेरे को मैं घर बताऊंगा, चल। भाई एक नंबर का लिचड़ आदमी है, इसका गला ना रहा करो, तमने भी बर्बाद कर देगा ये। सही कह रहा भाई, लग ही रहा था मुझे इससे दूर रहना पड़ेगा। कमीने, मैं इतनी मेहनत करता हूँ और तू जुए में और सिगरेटबाजी में आवारा गर्दी में पैसे उड़ा रहा है। तेरे को कुछ करना नहीं है, नौकरी करनी नहीं है। यार देख अब तो हम दोनों की ग्रेजुएशन भी होगी, अब तूने क्या सोचा आगे के बारे में? सोचना क्या है, एक अच्छे से लेवल पे जाना है, एक अच्छी जॉब करनी है और अपनी लाइफ सेट करनी है। अरे ये सब नहीं यार, तेरे को पता है ना मैं तेरे को कितना पसंद करता हूँ, उसके बारे में कुछ बताना, उसके लिए क्या सोचा है? क्या पसंद वसंत, तू भी एक अच्छी सी जॉब देख, अपनी लाइफ सेट कर, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। यार वो सब तो ठीक है लेकिन यार दिवाली तो जा ली है, इस पटाखा नहीं कुकर ठाए फिर है। अरे तो भी मेरा गला चाल है, इस गला के इधर है मेरे को तो कतई जी से आ जाओगे तुम। साले बेशरम आदमी, तने शर्म नहीं आती मेरी दोस्त उल्टा सीधा बोल रहा है ना, तू जी से लेगा इसके? जी से लेगा? रुक जा तू, तने मैं दूंगा जी से साले। साले तेरी बाप की इज्जत करूं इसलिए सस्ते में छोड़ दूं समझा, और आगे तो ध्यान रख लिए। हाँ भाई इतनी हिम्मत तुम्हारी? भाई साहब राम राम। राम राम गया बाढ़ में? क्या बात हुई भाई साहब? कमरा मैंने कल की कल खाली चाहिए, एक तो तुम 3 महीने का किराया नहीं देते, ऊपर से मैंने हमदर्दी दिखाई, चलो कोई बात नहीं आज नहीं कल दे देंगे, लेकिन तूने अपने छोरे से मेरा छोरा पिटवा दिया, मैंने कल की कल यो कमरा खाली चाहिए। नहीं भाई साहब इसको हम समझाएंगे, आगे से ऐसा नहीं करेगा ये। बात कुछ और होती मैं मान जाता, लेकिन ये मेरा इकलौता लड़का है, इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, इसको मैं डांटूंगा, आगे समझा दूंगा, आगे से ऐसा नहीं करेगा ये। इसके बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकता, मैंने कल की कल कमरा खाली चाहिए, ठीक है? आज अरे हरामजादे निकल तू यहां से, चल तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं, चल ऐसे चल चल हरामजादे तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता यहां से, निकल यहां से, दफा हो जाए यहां से। पापा प्लीज मेरे को मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे को आपके साथ ही रहना है, मैं सब सही कर दूंगा प्लीज। इस घर में आ गए तो मेरा मरा मुंह देखेगा, या तो तू ही रह ले या मैं रह लूंगा यहाँ पे, निकल जाए यहाँ से। पापा मेरे को आप ही के साथ रहना है, प्लीज मत करो ऐसा। निकम्मी औलाद दफा हो जाए से। हाँ बता यार क्या बात हो गई, क्यों बुलाया तूने ऐसे? यार वो मेरे पापा ने मेरे को घर से निकाल दिया, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ कहाँ जाऊँ,
कुछ हेल्प कर दे। घर से निकाल दिया यार, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो कोई हेल्प भी नहीं कर सकती। ये यार हम इतने पुराने दोस्त हैं यार, कुछ तो बता दे, कुछ तो हेल्प कर दे, कुछ समझ नहीं आ रहा। देख यार, माना कि पुराने दोस्त हैं लेकिन मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। यार अब तो सुन, तू एक काम कर, यहाँ से जा, मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती, मेरे घर वालों ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम कर, तू यहाँ से जा प्लीज। हाँ भाई, यार मेरी बात सुनो यार, मेरी कुछ हेल्प कर दो। क्या हुआ भाई? वो मेरे पापा ने मेरे को घर से निकाल दिया यार। तुम तो मेरे दोस्त हो यार, कुछ तो हेल्प कर दो यार। अरे तो हमारा दोस्त दोस्त नहीं है, हमें पता तेरे साथ एक दिन ऐसा होगा, और जो भी तेरे साथ हुआ ना, अच्छा हुआ। चल जा यहाँ से, निकल भाई। तो जा ना। अरे कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवाती हूँ, आ जाओ। दिल्ली के सारे बड़े अस्पतालों में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सारा हमारी कंपनी से ही जाता है, और उसका सेल्स का काम मेरी बेटी देख लेती है। फैक्ट्री और प्रोडक्शन का काम मैं देख लिया करता था, पर अब मेरी थोड़ी तबीयत खराब रहती है, इसलिए मुझे तुम्हारे जैसे मेहनती और ईमानदार आदमी की जरूरत है, जो वर्कर्स पे कंट्रोल रखे। साल में तो कम से कम 1 करोड़ की तो चोरी हो जाती है, पता नहीं ये लोग चोरी क्यों करते हैं, ऐसा लगता है कि इन लोगों का जमीर मर चुका है। कनौजिया साहब, जमीर और पेट की लड़ाई में जमीर तो सिर्फ किताबों में जीतता है, असलियत में जीत तो पेट की होती है। और वैसे इंसान तो चोरी सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसमें शर्म और खुददारी है। क्या ये क्या बात हुई? जी हाँ, इंसान के पास ना अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो भीख के लिए अपना हाथ फैला दे, या फिर चोरी के लिए अपना हाथ बढ़ा दे। तो वो चोरी के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है क्योंकि भीख के लिए उसको उसकी शर्म और खुददारी रोक लेती है। मैं तुम्हें 10,000 रुपये महीने की नौकरी ऑफर करता हूँ, तुम ज्वाइन कर सकते हो। माफ़ करना सर, लेकिन मैं ये नौकरी नहीं कर सकता क्योंकि इस तनख्वाह में मेरा गुजारा होगा नहीं, और चोरी मैं कर नहीं सकता। चलता हूँ मैं। अच्छा चलते चलते आपको एक राय दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ कहो। अगर आप 1 करोड़ के नुकसान से बचना चाहते हैं तो हर साल 10 लाख रुपए अपने स्टाफ और वर्कर्स में बांट दीजिए। 1 करोड़ का नुकसान तो नहीं होगा लेकिन 90 लाख रुपए का फायदा जरूर हो जाएगा। रुको, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे अंदर के एक बिजनेसमैन और एक इंसान दोनों को तुम्हारी यह सलाह बहुत अच्छी लगी, तो अब तुम कल से ही ये नौकरी ज्वाइन करोगे। और तुम्हारी और मेरे बाकी वर्कर्स की क्या सैलरी होनी चाहिए ये अब तुम डिसाइड करोगे। थैंक यू सर, थैंक यू। बेटी, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूं? अगर ऐसा कुछ है तो बात कर लो, कहीं पहले आप के चक्कर में गाड़ी ना छूट जाए। अरे सर, आपने 1 साल में खुद को तो क्या ही कहूँ, कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सर एक बात बताओ, ये आइडियाज लाते कहाँ से हो आप दिमाग में? मतलब आपके जो आइडियाज होते हैं ना, मतलब बहुत ही यूनिक और बहुत ही मस्त होते हैं सर। अच्छा एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है। हेलो, कहाँ रह गए आप अभी तक घर नहीं आए? अभी तो ऑफिस में यूं काम कर रहा था, बताओ। यार आज के दिन भी काम,
एटलीस्ट आज के दिन तो घर जल्दी आ जाते। यार अभी थोड़ा काम था, बस आ ही जाऊंगा। बोलो क्या हुआ? हाँ, आज आपका बर्थडे है और मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सरप्राइज वगैरह इनकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप जल्दी घर आ जाना, मुझे आपको सरप्राइज देना ही है। अच्छा चलो ठीक है, मैं टाइम से घर आ जाऊंगा। अरे आ गए हो? आ जाओ। क्या हुआ? मैंने आपके लिए सरप्राइज रखा है, जल्दी चलो। अरे तो बैग तो रख दूं। अरे आप मुझे दो, आ जाओ जल्दी चलो। चलो चलो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एक सरप्राइज है, तुम्हें सच बता रही हूँ, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अरे यार ऐसे क्या हो गया, क्यों इतनी जल्दबाजी मचा रखी है? रुक जाओ, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, डायरेक्टली दिखा रही हूँ। मैंने तुम्हें फोन पे बोला था ना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? प्लीज मुझे माफ कर दो पापा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी पापा, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटे, खड़े हो। पापा मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं गलत था उस टाइम और आप सही थे। और पापा मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, आपने मुझे अपने से दूर कर दिया। पापा मैं आपके पास आना चाहता था, कब से आना चाहता था, और बस मैं आ नहीं पाया क्योंकि आपने बोला था कि मेरे को अपनी शक्ल मत दिखा दियो। मैं आई एम सॉरी पापा, मुझे प्लीज माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, तुम कामयाब हो गए, मुझे खुशी है, और भाऊ ने मुझे सब बता दिया था। पापा आपने उस दिन मेरे साथ जो भी किया ना, आपने बहुत ठीक किया। अगर शायद आप मुझे घर से ना निकालते तो मुझे वक्त के रहते कभी वक्त की कदर होती ही नहीं, और मैं आज भी इधर उधर ऐसे ही घूम रहा होता, धक्के खा रहा होता, और कभी कुछ कामयाबी हासिल ही नहीं कर पाता। कोई नहीं बेटा, खुश रहो। और पापा मेरे पास भी आपके लिए एक सरप्राइज है, और वो सरप्राइज मैं आपको अभी देना चाहता हूँ। पापा आप मेरे साथ आओ, जल्दी आओ। बाबू जान ते प्यारा रे। हम सीरियस बाता में भी फन कर लिया, देख बोल के न राजी सब डन कर लिया। हरियाणे आले कोन्या आवे काबू तावले, ये मार के न चार गिने एक बावले। हरियाणे आले कोन्या आवे काबू तावले। अरे बेटा यहाँ किस लिए लेकर आया मुझको? पापा आपको बोला था ना आपके लिए सरप्राइज है, आप चलो। हाँ कहाँ रहे हो? तेरा ये घर खरीदना है, कीमत बोल। तू खरीदेगा मेरा घर? भूल गया क्या, दो साल पहले कैसे धक्के मार के बाहर निकाला था। चल कीमत बोल, 1 करोड़। अबे मुझे ये घर नहीं बेचना, चल चल निकल। 1.5 करोड़। 2 करोड़। ठीक है, डील डन। सुपने वे जीना पिछे कर छे, किसी होर हराउन वाली लाई दौड़ी नहीं, हरा ता सकते सानू लोड़ी नहीं। ये ले। अच्छा वैसे आपको कैसे पता कि मैं 2 करोड़ में मान जाऊंगा? क्योंकि मेरे को तेरी औकात पता थी, और इस दुनिया में हर चीज बिका हुआ है, बस खरीदार होना चाहिए। चल तेरा बहुत टाइम हो गया, अब तू निकल ले। चल 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 चल। मुसीबतां नू वेख दिला जमीना तू डोली आए, मुसीबतां नू वेख दिला जमीना तू डोली आए, बेबे बापू दिया आसां दे मीना तू रो। रामजादे तेरी शक्ल नहीं देखना चाहते यहां से, निकल यहां से। पापा प्लीज मेरे को मेरे साथ ऐसा। रीजा ला के सिख तू भी मित्रा, नित नमे ही तजर्बे सिखाऊ दी जिंदगी। रीजा ला के सिख तू भी मित्रा, नित नमे ही तजर्बे सिखाऊ। हे गाइस, तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करें और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताएं। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब वाला रेड बटन और बेल आइकन दबा के। और गाइस नॉक्सलेयर एक बहुत ही अच्छी ऐप है, तो अभी के अभी इसको डाउनलोड करो, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, टू मेक योर फोन वायरस फ्री एंड इजी टू यूज। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए प्यार बनाए रखें और कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। बाय बाय।